तो ये सवाल कि हम नैवेद्य क्यों अर्पित करते हैं? हम सभी देवी देवताओं को एक सा नैवेद्य नहीं चढ़ाते, ये बहुत अलग है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, पत्ते और फूल और फल और भोजन से लेकर, या तो उसे बढ़ाने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए। नैवेद्य दो तरह के होते हैं, क्योंकि वे खाना चाहते हैं। देवता उस तरह नहीं खाते जैसे हम खाते हैं, नहीं। ये एक, इसके बहुत से पहलू हैं। अगर मैं इन सब में जाता हूं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर एक सरल चीज है, भक्ति। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन जो चीज जरूरी है वो है भक्ति। मान लीजिए आपके घर में मेहमान आते हैं, क्योंकि यहां हम, देखिए आपको ये समझना चाहिए, भारत एक ईश्वर विहीन देश है। आपको ये पसंद नहीं है? जब मैं ईश्वर विहीन कहता हूं तो यही एकमात्र संस्कृति है जो साफ साफ समझती है कि ईश्वर को हमने बनाया है। हर जगह लोग सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें बनाया है। यहां हम जानते हैं कि वो हम हैं जिन्होंने देवताओं की रचना की है। इस देश में देव निर्माण की एक पूरी तकनीक है कि आप चाहे जैसा देवता बना सकते हैं। इसलिए आज हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। पर यह तब हुआ जब हमारी आबादी 33 करोड़ थी, जब से यूरोपियन और दूसरे आए और इतने सारे देवी देवताओं को लेकर हमें शर्मिंदा महसूस कराया, हमने अपनी कल्पना शक्ति खो दी। हम देवताओं की संख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चाहे जो भी कहा सुना जाए, हर घर में 2 दर्जन देवी देवता होंगे, उससे नीचे काम नहीं चल सकता। कम से कम 2 दर्जन, उससे कम पर हम भटके हुए महसूस करते हैं। अब वहां ऊपर बैठे किसी भगवान का विचार वास्तव में एक पश्चिमी विचार है। जब मैं पश्चिमी कहता हूं तो भारत से पश्चिम की ओर जो कुछ भी है वो हमारे लिए पश्चिमी है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये वास्तव में यही है। यहां हमने इसकी ओर उस तरह कभी नहीं देखा। यहां हमने कहा, आपके पास कितनी भी संख्या में देवी देवता हो सकते हैं। एक ही घर में लोग 25 देवताओं की पूजा करते हैं। आप भारतीय घरों को देखते हैं तो आप 25 देवी देवताओं की पूजा कैसे कर सकते हैं? 25 देवता सिर्फ इसलिए कि हमारे घर इतने बड़े नहीं हैं, वरना हमने 2500 देवता रखे होते। The science or the technology of God making. देव निर्माण का विज्ञान या तकनीक इन अर्थों में है कि हमने समझा कि अस्तित्व में हर जगह एक ही ऊर्जा है। ये एक पत्थर हो सकती है, ये एक पेड़ हो सकती है, एक फूल हो सकती है, फल हो सकती है, ये एक जानवर हो सकती है, एक पक्षी, एक मनुष्य हो सकती है। तो अगर एक पत्थर मनुष्य बन सकता है, देखिए, जो मिट्टी था, जो वहां कीचड़ था, वो भोजन बन गया, जो भोजन था वो यहाँ सिकंदर महान के रूप में बैठा है, हाँ या ना? नहीं, हाँ, खैर एक पेचीदा तरीके से, हाँ या ना? हाँ, वहां जो था कल मैं उस पर चल रहा था, आज ये यहां सिकंदर महान के रूप में बैठा है। ये सिकंदर महान पुराना वाला अब वहां है, हाँ या ना? तो अगर मिट्टी सिकंदर महान बन सकती है तो क्या हम उसे कुछ और बनने के लिए परिष्कृत नहीं कर सकते? तो हमने इसे समझा, इसे प्राण प्रतिष्ठा का विज्ञान कहा जाता है। अगर ये मिट्टी एक मनुष्य, एक पेड़, एक फूल, एक फल बन सकती है, अगर आप सही ताल पैदा करते हैं तो ये एक दिव्य इकाई बन जाएगी, ये एक दिव्य उपस्थिति बन जाएगी। यही प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विज्ञान है। इसलिए लोगों ने अलग अलग तरह के देवी देवता बनाना शुरू कर दिया, विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न तरह के देवी देवता। ये सिर्फ विश्वास प्रणाली नहीं है। आप मंदिरों में गए हैं, आप जाकर ध्यानलिंग में बैठते हैं, वो कैसा महसूस होता है? भैरवी में जाइए, वो कैसा महसूस होता है? बहुत अलग। जाकर आदि योगी आलयम में बैठिए, बहुत बहुत अलग, क्योंकि उन्हें अलग अलग तरीके से प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। एक ही ऊर्जा की अलग अलग अभिव्यक्तियां। आज भी यही बात है, वही ऊर्जा खुद को एक पत्थर, एक पेड़, एक फूल, एक फल, एक पक्षी, एक पशु, एक मनुष्य के रूप में अभिव्यक्त कर रही है। वही चीज अगर उसे उसकी सबसे सूक्ष्म संभावना तक ले जाया जाए तो वो दिव्य बन जाती है। तो यहाँ
हमने भगवान के नीचे आने का इंतजार नहीं किया, हमने अपने हिसाब से हमारे देवता बना लिए। हमें अब भी यह स्वतंत्रता है कि अगर हमें मौजूदा भी व्यक्तियों में से कोई पसंद नहीं आता तो हम नए बना सकते हैं, जिन्हें इष्ट देवता कहा जाता है। आप खुद का देवता या देवी बना सकते हैं कहीं भी, और ये स्वतंत्रता नहीं है, ये परम लोकतंत्र है जहां आप अपने खुद के भगवान की रचना कर सकते हैं। लोगों के पास ऐसी स्वतंत्रता और किस जगह है? आपको उसी भगवान को मानना पड़ेगा जो वो आपको बताते हैं, वरना आप गए समझो। तो ये सवाल कि हम नैवेद्य क्यों अर्पित करते हैं, हम सभी देवी देवताओं को एक सा नैवेद्य नहीं चढ़ाते, ये बहुत अलग है। वो ऊर्जा जो उन्हें चाहिए हम वही उन्हें अर्पित करते हैं। उदाहरण के लिए ध्यान लें, कोई अर्पण नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर उस मंदिर में अगले 1000 सालों तक भी कोई नहीं जाता और आप 1000 साल बाद वापस आते हैं तो भी वो वैसा ही रहेगा, वे वहीं बैठे रहेंगे, वे एक योगी हैं, उन्हें किसी के ध्यान की जरूरत नहीं है। मगर भैरवी इस तरह नहीं है, हमें हर रोज उन्हें अर्पण करना पड़ता है, हमें उनकी देखभाल करनी पड़ती है। अगर आप उनकी देखभाल ना करें तो शुरू में वे क्रोधित होंगी, उसके बाद वे विलीन हो जाएंगी, और जब वो नाराज हों तब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो उन्हें बहुत अलग अलग तरीके से बनाया गया है, इसलिए हर तरह के देवी देवता के लिए हमारे पास एक खास तरह का नैवेद्य है जो उस तरह की ऊर्जा को पोषित और सहयोग करता है। तो इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, पत्ते और फूल और फल और भोजन से लेकर हर देवता के लिए हर चीज अलग होती है। आज वे बहुत सारे लोग बस कुछ कर रहे हैं, वे जो भी जानते हैं, लेकिन अगर आप परंपरा में पीछे मुड़कर देखें तो बहुत साफ तौर पर बताया गया है कि अमुक देवता को आपको ये अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हर तत्व का अपना स्पंदन होता है। आप इस बांस की पत्ती को अपने हाथ में लेकर महसूस कीजिए, ये कैसी महसूस होती है। आप दूसरी पत्ती लेकर देखिए, वो कैसी महसूस होती है। अगर आप संवेदनशील हैं तो हर पेड़ और हर पत्ती अलग महसूस होगी। अगर आप इसकी ओर संवेदनशील नहीं हैं, तो सब कुछ, आप हर चीज को नजरअंदाज कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप विशिष्ट देवी देवता को जो भी अर्पित करते हैं वो इस तरह बना होता है कि वो उस ऊर्जा को बढ़ाता है और उसका सहयोग करता है, या तो उसे बढ़ाने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए, दोनों। नैवेद्य दो तरह के होते हैं, एक बस भगवान को दिया जाता है और दूसरे को बस वहां रखकर लोगों को दे दिया जाता है। तो ये दो अलग तरह के नैवेद्य होते हैं, एक आपके लिए, एक उनके लिए। एक उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होता है, वो आपका योगदान है। दूसरा है उस ऊर्जा को ग्रहण करना ताकि आप उसे अपने साथ घर ले जा सके। तो ये दो अलग पहलू हैं, ये एक बहुत ही विस्तृत प्रणाली है।